जीआरपी की अंतर प्रांतीय बैठक पुलिस लाइन सभागार में एडीजी रेलवे वीके मौर्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में गोरखपुर, वाराणसी सहित उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार के भी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनजर जीआरपी द्वारा उठाए गए पहलुओं पर चर्चा की गई तथा रेल यात्रियों की यात्रा को सुगम करने की रणनीति तैयार की गई। इस मौके पर एडीजी वीके मौर्य ने कहा कि रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ प्लेटफॉर्म और ट्रेनों की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं रहेगी, उनकी जवाबदेही तय होगी और एक कार्य योजना बनाकर रेलवे में लूटपाट और यात्रियों को निशाना बनाने वाले अपराधियों और उनके गैंग को जड़ से समाप्त करने के लिए जीआरपी अपराधियों के घरों तक जाएगी, जिससे उनकी गतिविधियों पर लगाम लगाया जा सके। बैठक में आईजी रेलवे इलाहाबाद वीआर मीणा, आईजी रेलवे लखनऊ विजय प्रकाश, एसपी रेलवे गोरखपुर पुष्पांजलि सहित विभिन्न राज्यों से आए अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी रेलवे वीके मौर्य ने बताया। हमारे सारे मध्य प्रदेश से आए, छत्तीसगढ़ से आए हैं। गोरखपुर में इलाहाबाद सेक्शन, लखनऊ सेक्शन और गोरखपुर सेक्शन जो जीआरपी का है, उन अधिकारियों के साथ साथ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सभी वहाँ के भी पुलिस अधिकारी जो रेल के संबंध में, क्राइम के संबंध में देखते हैं, वो सभी अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन से काम करें रेल क्रिमिनल्स के विरुद्ध, क्योंकि रेल क्रिमिनल्स का क्षेत्र बहुत बड़ा रहता है। चढ़ते कहीं पर हैं, क्राइम कहीं करते हैं, उतरते कहीं पर हैं, रहने वाले कहीं के होते हैं, तो उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगा, जितना ज़्यादा सिनर्जी रहेगी, उतना ही अच्छा कंट्रोल हो सकता है। तो आज कई मुद्दों पर बात हुई। नंबर एक, जो क्रिमिनल्स हमारे यहाँ के हैं, वहाँ से वांटेड है, उनकी लिस्ट ले ली गई है, उस पर कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ के जो क्रिमिनल्स हैं, बिहार के जो क्रिमिनल्स हैं, जो हमारे यहाँ से वांटेड हैं, उनकी सूची उनको सौंप दी गई है, ताकि वे उसको देकर कार्रवाई करें। हमारा प्रयास ये है कि जीआरपी न केवल प्लेटफॉर्म और डिब्बों तक सीमित रहे, बल्कि क्रिमिनल्स के डेन तक जाए, उनके घरों तक जाए और उन्हें वहाँ बाहर निकालें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो एक समन्वित प्रयास हम कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट पुलिस के साथ मिलकर के, जीआरपी के डिफरेंट स्टेट पुलिस के साथ मिलकर के, ताकि क्रिमिनल्स पर एक भारी दबाव बनाया जाए और रेल यात्रा ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित की जाए। हाँ, जैसे मैंने बताया कि जहाँ पर बॉर्डर होते हैं, जहाँ पर पर्टिकुलर स्टेट के बॉर्डर्स हो जाते हैं, वहाँ पर दो तरह की पुलिस हो जाती है, तो कभी कभी क्रिमिनल्स इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि अब डे टू डे इंटरेक्शन होगा। FIR जो दर्ज होगी, लौटती ट्रेन से उनको तत्काल दूसरी जगह भेजा जाएगा, ताकि उस पर कार्रवाई तत्काल प्रारंभ हो जाए और जल्दी से जल्दी क्रिमिनल्स पकड़े जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि कम्युनिकेशन गैप होने से लंबे समय बाद FIR मिलती हैं, तो पता चलता है कि क्राइम तो आज हुआ है और पता चलता है एक महीने बाद, तो क्रिमिनल्स पर कार्रवाई करने में थोड़ी सी बाधा आती है। तो ये इस बैठक से ये तय किया गया है, सभी अधिकारियों ने तय किया है कि अब हम डे टू डे व्हाट्सएप से इंटरेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप से FIR भेजेंगे और लौटती ट्रेन से हम FIR मंगा करके, दर्ज करके उस पर कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। मेरा अपना मानना, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एक लंबी लिस्ट है जो कि, जैसे मैंने बताया कि रेलवे क्रिमिनल्स का दायरा बहुत बड़ा है, तो हमारे यहाँ किशनगंज से लेकर, नरकटियागंज से लेकर के चंडीगढ़ के आसपास के क्रिमिनल हैं, हमारे यहाँ हरियाणा के बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, सांसी गैंग है, अभी हम लोगों ने पकड़ा है, अभी मध्य प्रदेश ने एक ऐसा गैंग पकड़ा है जो कि रेलवे में रिजर्वेशन करा करके लगातार
एसी कोचेज में रिजर्वेशन करा के चल रहा है, तो रेलवे के क्रिमिनल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। और हम लोगों ने अभी तक जो उत्तर प्रदेश में अराउंड 3000 क्रिमिनल्स चिन्हित किए हुए हैं, जिनका डोजियर तैयार किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। और पूरे जुलाई माह में हमने सभी को निर्देशित किया है कि हर हालत में हर एक क्रिमिनल के पर दस्तक हो जानी चाहिए, जो जेल में है उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए, जो बाहर हैं उनका वेयर अबाउट्स पता करके देखना चाहिए, यदि इन्वॉल्व हैं तो तत्काल उनको जेल में भेजा जाए। कोऑर्डिनेट करें, कंबाइंड यूनिट बना ही नहीं सकते हम, लीगली इस तरह से कंबाइंड यूनिट नहीं है, लेकिन जो जो ऐसे हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं जिन पर के काम करें, तो ज्वाइंट टीम बना करके उन पर दबिश दी जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। अभी बढ़ेगी, उसको ध्यान में रखते हुए अभी बिहार से एसआरपी जो पुलिस अधीक्षक हैं मुजफ्फरपुर की, वो आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि बहुत सारे ड्रगिंग केसेज हो जाते हैं, उन सारे जो ड्रग करते हैं क्रिमिनल, जहर खुरानी वाले क्रिमिनल्स हैं, उनकी लिस्ट हमारे पास आ गई है। कई ऐसे जो हमारे पास हैं यहाँ पर, उनके खिलाफ अभी दबिश दी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। एक तो नंबर वन होता है जी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो, यदि डिले ऑफ एक्सचेंज है तो उसके कारण थोड़ी दिक्कत आती है, क्रिमिनल्स के बारे में जानकारी हो तो ज़्यादा अच्छी कार्रवाई होती है। और कई बार ऐसा होता है कि इस स्टेट का क्रिमिनल है और वांटेड बिहार से है, वहाँ से पुलिस आए, तत्काल उनमें यदि कोऑर्डिनेशन होगा तो तत्काल कार्रवाई होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो जितना कोऑर्डिनेशन करेंगे उतना अच्छा सिनर्जी बनेगी, उतना अच्छा कार्रवाई हो सकती है।